फ्रीगर क्षेत्र में राखियों का बाजार पूरी तरह से लग चुका है, लेकिन इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर का असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां पर साफ देख सकते हैं कि पूर्व की तरह ग्राहक ही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन बाद 22 अगस्त से रविवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और रक्षाबंधन त्योहार को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में राखियों का बाजार पूरी तरह से सज गया है। यहां पर फ्रीगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में राखी की दुकानें लगी हैं, तो यूं तो यहां पर अलग अलग वैरायटी की राखियां बिक्री के लिए रखी गई है, परंतु दुकानदारों ने इस वर्ष चाइना का विरोध करते हुए चाइना की राखियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहां पर 30 कीमत से लेकर तो 500 कीमत तक की राखियां बिक्री के लिए रखी गई है और बच्चों के लिए विशेष टेडी बियर, छोटा भीम, डोरेमोन व आकर्षक लाइट की राखियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर का असर यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में पूर्व की तरह ग्राहक नहीं है और इसी के साथ ही महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है। ग्राहक पहले की अपेक्षा कम कीमत की राखी खरीदना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि रेट ज्यादा होने से राखी का गिराकी कम हो गई, वेट हो गया है ज्यादा, राखी पे टैक्स लग गया है और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े तो ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा, हमारे खर्च पेमेंट लगा है। किस तरह की राखियां लाए हैं आप? इस बार सारे बच्चों की टेडी बियर है, इस बार भीम है, छोटा भीम है, स्पाइडर मैन है, स्टोन की राखियां है, सारे प्रकार की वेरायटी है इस बार। विशेष क्या अच्छा है, अपने इंडिया की राखियां हैं, कहीं बाहर से आ नहीं रही हैं, चाइना का माल नहीं। और भाई बहन का त्यौहार है तो वैसे भी प्यार का त्यौहार है और अच्छा लगा। मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है तो कोरोना के उसमें सुबह सुबह अच्छी शॉपिंग भी कर ली और ठीक है, मार्केट चल रहा है, अच्छा है।